बच्चों क्लास UKG सब्जेक्ट इंग्लिश है। आज आप लोगों को क्या पढ़ना है, यूज ऑफ इज एंड आर। किस चीज़ का यूज पढ़ना है, इज का और आर का। क्या कहाँ पे इज का प्रयोग होता है, कहाँ पे आर का। आप लोग इसको कॉपी में लिख लेंगे देखकर, और इसको हम पढ़ा रहे हैं, इसको पढ़िए आप लोग। देखिए, दिस इज ए कैट, या क्या है कैट। दिस मीन्स होता है या, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, कैट मीन्स बिल्ली। यह एक क्या है, कैट है, बिल्ली है। दिस इज ए फैन, यह एक पंखा है। दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है। दिस इज ए बॉस, यह एक बॉस है। दैट इज ए काइट, दैट मीन्स क्या होता है, वह। वह एक पतंग है। दिस इज ए डॉग, ये क्या है, दिस इज ए डॉग, यह एक कुत्ता है। उसके बाद इधर आर का, दीज आर कैट्स, दीज आर कैट। जब एक कैट रहता है, जब एक कैट है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिस इज का प्रयोग हुआ है, एक कैट, ए मीन्स एक, दिस मीन्स यह एक बिल्ली। और यहाँ पे जब बहुत सारी बिल्ली है तो यहाँ पे क्या लगेगा, दीज आर कैट्स, ये सब बिल्लियाँ हैं। दीज आर फैंस, ये सब पंखे हैं। ज़्यादा रहेगा, एक से ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे लगेगा आर का प्रयोग होता है। दीज आर बॉयज, ये सब लड़के हैं। दीज आर बसेस, ये सब बसें हैं। दीज आर काइट्स, ये सब पतंग हैं। दीज आर डॉग्स, ये सब कुत्ते हैं। ये आप लोगों को कॉपी में लिख लेना है, दिस इज ए कैट, दीज आर ए कैट्स। ये आप लोगों को लिख के इसको पढ़ना है।